हेलो एवरीवन, आज की मेरी वीडियो है पासिंग फार्मूला पे। एयरफोर्स में जो जॉब्स आई हैं, जो बच्चे पेपर देने जाएंगे, तो वो उसका पासिंग फार्मूला क्या है, कितने नंबर वाला बच्चा पास होता है, कितने नंबर आपको लेने होंगे, कितने नंबर का टेस्ट होगा, तो उसमें से कितने नंबर आप लेंगे तो पास होंगे, नेक्स्ट प्रोसेस में जाएंगे, अदरवाइज आप फेल होंगे। अब बच्चे, उसमें जो पहला आपका पेपर होगा वो इंटेलिजेंस टेस्ट होता है। ये एक ही दिन पेपर होंगे सारे। पहला पेपर कौन सा होगा? इंटेलिजेंस टेस्ट का होगा। और इसमें आपको कम से कम 100 सवाल होंगे, 40 मिनट टाइम होगा, 100 सवालों में से 60 नंबर आपको लेने होंगे पास होने के लिए। अगर ये आप लेते हैं तो आपका नेक्स्ट पोर्टल ओपन हो जाएगा, नेक्स्ट टेस्ट पे आप चले जाएंगे। कितने? 60% इंटेलिजेंस टेस्ट के लिए। इसके बाद आपका फिजिक्स का पेपर होगा, वो 25 नंबर का होता है, 25 में से कम से कम आपको 15 नंबर लेने लाजमी है, उसके बगैर आप फेल होंगे। उसके बाद जब आपका इंग्लिश का पेपर आएगा, इंग्लिश में 50 क्वेश्चंस होंगे, 50 क्वेश्चंस में से आपको मिनिमम बचे 30 क्वेश्चंस लेने हैं, 30 वाला बच्चा पास होगा, बाकी बच्चे फेल कंसीडर किए जाते हैं। इसके बाद जो बच्चे मैथमेटिक्स के हैं, तो मैथमेटिक्स के भी बच्चे जो 25 सवाल होते हैं, 25 सवालों में से आपको कम से कम उसमें से भी 15 नंबर लेने होंगे। अब जो बायो की बच्चियाँ हैं, वो FMAs के लिए जिन्होंने अप्लाई किया हुआ है, उन बच्चियों के लिए भी कम से कम 30 नंबर लेने लाजमी है। ये पासिंग फार्मूला होता है। अब इसके बाद बच्चे, प्रॉब्लम यह है कि अब बहुत से बच्चे ऐसे होते हैं जो पास होने के बाद भी उनका नाम मेरिट लिस्ट में नहीं आता। अब ये बड़ा पॉइंट है यहाँ पे जो इम्पोर्टेंट समझने वाला है, कि आपने देखें पेपर पास कर लिया, 60 नंबर ले लिए, हर पेपर में आप पास हो गए, जब चारों को एग्रीगेट करेंगे तो आपके बनेंगे 65-70% नंबर बने, आप हो गए पास, मेरिट लिस्ट में नाम आ गया, आपको अगले प्रोसेस के लिए बुलाया जाएगा, सारा कुछ होगा। जब फाइनल मेरिट लिस्ट आती है, जिस दिन वो बच्चों को ऑफर लेटर्स दिए जाते हैं कि आप सिलेक्शन सेंटर पर रिपोर्ट करें, उस वक्त आपका नाम नहीं होता। अब उसके बिहाइंड बच्चे, जो सबसे बड़ी वजह बनती है कि अब जैसे 100 सीटें थी, क्योंकि यूनिफॉर्म पर्सन की सीटें तो किसी को नहीं पता होती, ना ही मैंशन होती, ये डिपार्टमेंटल उन्हीं को पता होती हैं। अब 100 सीटें थी, 100 सीटों में से अब अगर FMAs की बात करें तो FMAs पास कर गई हैं तकरीबन ऑलमोस्ट 1000 बची हैं। कितनी? 1000 बची हैं हर सिलेक्शन सेंटर से, उसने बचियाँ पास करके टोटल 1000 बन गई है, तो रखनी कितनी है? 100 या 300। अब उसमें बच्चे मामला ये बनता है कि जो टॉप नंबर्स वाली बच्चियाँ होती हैं, जैसे जिनके आपके तो एग्रीगेट सारे पेपरों के टेस्ट के मिला के आपके तो बने ही 70% हैं, जो बच्ची 95% या 90% 85% वाली बच्चियाँ हैं, उन बच्चों को सबसे पहले फर्स्ट प्रायोरिटी पे उठा लिया जाता है। अब अगर उनमें से कोई बच्चे रिजेक्ट होते हैं तो उससे नीचे वाली परसेंटेज वालों को लिया जाता है, फिर इस तरह करके कंसीडर किया जाता है, फिर उन्हीं की बेस पे कोटा बनता है। मतलब सिंध वाले बच्चों का कोटा बनेगा, नॉर्मल कोटे वाले बच्चे होंगे, KPK, उसके बाद फाटा, और ये सारे कोटे उसी में से फिर ड्राइव करके बच्चों को, मतलब उसकी काउंटिंग की जाती है। जैसे 100 सीटें थी, 100 सीटें में से 50 सीटें पंजाब की निकल गई, पंजाब में से भी 30 बच्चे मेरिट पे होंगे और 20 बच्चे शोधा के होंगे और 10 बच्चे, इस तरह करके पूरा मेरिट बनता है। तो ये बच्चे एक मेरिट का पूरा मेथड होता है। आपको खाली पासिंग मार्क्स नहीं लेने, क्या करना है, मतलब इन शॉर्ट ये जो वीडियो बनाने का मकसद था, एक तो आपको मेरिट फार्मूला समझाना था, दूसरे जो पेपरों के मार्क पासिंग मार्क्स थे वो बताने थे, तीसरा कि आपको खाली 60% तक बाउंड नहीं रहना बच्चे, आपको आगे निकलना है, आपको कम से कम 80 को टारगेट करना है, तब आपका नाम आएगा, तब आपको ऑफर लेटर दिया जाएगा एयरफोर्स का। तो ये बात आपको आई होप सो क्लियर हो चुकी होगी, फार्मूला समझ आ गया होगा। अब मसला ये है कि ये नंबर लेने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, उसके लिए बच्चे सिंपल आपको पढ़ना पड़ेगा। बहुत से बच्चे यूट्यूब की वीडियोस पे रिलाय कर रहे हैं, नो डाउट वीडियो मैं भी बना रहा हूँ, बहुत से भाई हमारे बना रहे हैं, वो आपकी अच्छाई के लिए बना रहे हैं ताकि आप उससे सीख जाएँ। लेकिन बच्चे यहाँ प्रॉब्लम यह है कि आपने खाली हमारी वीडियो पर बेस्ड नहीं रहना, आप उसमें क्या करें कि बुक एक सबसे ऑथेंटिक डॉक्यूमेंट्स होता है, प्रिपरेशन के लिए सबसे अच्छी बुक होती है बच्चे, मेरी जो 98% बच्चों को रिकमेंडेशन होती है वो बुक ही होती है। आप बुक को खोलें, उसमें से देखें, जैसे सीरीज़ के सवाल हैं नहीं समझ आ रहे हैं, उनको यूट्यूब पर सर्च करें, वीडियोस देख लें, उसे आपको मिल जाएगा, गूगल पे डाटा मारें आपको मिल जाएगा। इसी तरह अगर आप पूरी बुक प्रिपेयर कर लेते हैं, वेल प्रिपेयर्ड हो जाती है, तो आप टेस्ट कभी भी फेल नहीं करेंगे और इंशाल्लाह आपके नंबर्स आएंगे। मसला ये है कि बच्चे आप पढ़ते नहीं हैं, आप तैयारी नहीं करते, जब तक पढ़ेंगे नहीं बच्चे आप पेपर की तैयारी नहीं कर सकते। तो आप मतलब उसमें टुकड़ों में आप यूट्यूब, जैसे मैंने कुछ मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चंस की वीडियोज़ बनाई थी, तो आप उनको देख के तो आपका इनिशियल पेपर को तो पास कर लेंगे, मतलब निकल भी जाएंगे, 60% नंबर भी आ जाएंगे, आपके 65 नंबर आ जाएंगे। लेकिन बच्चे हो सकता है उसकी बेस पे आप मेरिट में ना आए, तो मेरिट में आने के लिए आपको बुक्स पढ़नी पड़ेंगी, प्रॉपर आप बुक्स पढ़ेंगे, उससे सर्च करेंगे, एक एक क्वेश्चन को फिल करेंगे, तो फिर आपकी प्रॉपर तैयारी होगी। तो ये बच्चे टेक्निक है, इसके अलावा आपको कोई और हल नहीं है,
ना ही कोई और किसी के कोई जादू है जो आपको बच्चे बता सकते हैं कि आपको नोट्स, बहुत से बच्चों की एक ही डिमांड आ रही होती है कि हमें नोट्स दे दें, कोई आपने बनाए हुए दे दें। अच्छा मज़ेदार बात कि मैंने लास्ट एक बच्चे को नोट्स दिए थे, हालांकि मेरे भी ऐसे नोट्स नहीं बने हुए थे, जो मैं वीडियोस बनाता हूँ उसका डाटा उस बच्चे से शेयर किया, तो एक डॉक्यूमेंट्स था उसमें उसमें उसके क्वेश्चन आंस नहीं हुए हुए थे। कैन यू इमेजिन कि उस बच्चे ने मुझे स्टिल रिप्लाई, मैं उम्मीद कर रहा था कि रिप्लाई आएगा ताकि इसे मैं दोबारा जवाब भेजूँगा, लेकिन उस बच्चे ने जवाब पूछे ही नहीं। अब सिर्फ बच्चे नोट्स ले लेते हैं लेकिन उसे स्टडी नहीं करते, तो बच्चे उसका सबसे अच्छे नोट्स बुक्स हर चीज़ तैयारी के लिए आपके पास बुक होनी चाहिए। बुक को कंसीडर करें, बुक को फॉलो करें, सब कुछ यही है, इसी से तैयारी करें। डोगर वालों की बहुत अच्छी है, रिकमेंडेड है, उससे आप तैयारी कर सकते हैं। तो नेक्स्ट वीडियो तक खुदा हाफिज़।